तेज था कि जो पेड़ भी थे पेड़ों को भी उखाड़ दिया। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कल बहुत ज्यादा तेज तूफान आया था, आंधी भी थी और साथ में बारिश भी आई थी। तो इसी बीच अगर बात करें, नुकसान काफी हुआ है। हम सप्पा खेड़ी और खेड़ी मसानिया है जो उसके बीच में जो खेत पड़ते हैं वहां पर सोलर पैनल की जो प्लेटें हैं वो उखड़कर कई कई किलोमीटर तक जा चुकी है और काफी नुकसान हुआ है। और जिस पीछे जो आप देख रहे हैं ये सोलर पैनल उस फौजी के खेत की उखड़ी हुई है जो फौजी देश की सेवा के लिए ड्यूटी पर तैनात है। तो जैसा ही उनको पता चला, परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आसपास के लोग भी है, भी नुकसान कितना हुआ है हम इनसे पूछेंगे। रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो फौजी है उनके रिश्तेदार भी पहुंचे हुए हैं। पहले यहाँ के जो लोग हमसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम रजत है। रजत कौन से लोग? मेरा नाम सुपहेड़ी है। और जैसे कि आप देख रहे हो कल तेज तूफान आया था और उस तूफान में किसान का तो नुकसान हुआ हुआ है और जो जिस कंपनी ने सोलर पैनल लगाए हैं उसका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि आप इनकी कंडीशन देख सकते हो कि पूरा पथरा लगा रहे हैं। वैसे कौन सी कंपनी के हैं? कौन सी कंपनी है? एलपैक्स कंपनी है जो कि नोएडा उत्तर प्रदेश से। तो ये तो सरकार की तरफ से सब्सिडी देकर लगाए गए थे? किसान ने सब्सिडी दे दी अपनी तरफ से, पूरी पेमेंट कर दी है, लेकिन जो कंपनी इसको लगा रही है उसमें भ्रष्टाचार गया है। अच्छा, आपके सामने है, देखिए। तो क्या लगता है कि क्वालिटी में क्या कुछ दिखते हैं, गुणवत्ता किस प्रकार की? गुणवत्ता आपके सामने एक बार देखिए, तूफान तो उखाड़ेगा इसके, ये अपने हाथ ही हिल रही है। अच्छा, आपके सामने ये देखो, और ये जो खेत आप दिखाई दे रहा है, ये जो नुकसान हुआ है ये फौजी है और वो भी ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और फौजी के खेतों में ये हाल आप देख सकते हैं। फौजी के देख सकते हैं आपने, तूफान ने ये भी नहीं सोचा कि ये फौजी का है और इस प्रकार से वो सेवा करता है, फौजी के घर इस प्रकार से तबाही मचाने के लिए। साल पुराना तूफान इतना तेज था कि जो पेड़ भी थे पेड़ों को भी उखाड़ दिया गया है और ये जो सोलर पैनल है इनको भी उखाड़ा गया है। सोलर पैनल है वो ऐसे भी ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये उखड़कर इतनी दूर दूर तक, 1 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक? एक तो ये इसकी इंस्टॉलमेंट, जैसे ही इंस्टॉलमेंट देखिए आप कैसे कर रही है, इंस्टॉलमेंट पे पूरी सीमेंट नहीं लगा रखी, मसाला एक बार वो दिखाना चाहिए। बाकी आप ये देख सकते हैं जो प्लेटें हैं, एक भी प्लेट ऐसी नहीं मिलेगी जो साबुत मिले आपको, बिल्कुल सारी मुड़ी हुई, टूटी हुई, खुली हुई, सारी सुखी, जो भी है नुकसान काफी हुआ है। बाकी ये देख सकते हैं जो इसका अंदर की नींव है किस प्रकार से, ये क्या अभी अभी रखी थी, नहीं ठीक है इसकी नींव अभी कंपनी का इंश्योरेंस भी होता है? इंश्योरेंस तो अभी पता चलेगा जी, वो करके जाएंगे। बाकी संपर्क किया कंपनी वालों से आपने? कंपनी आज किया है, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हम सिर्फ लेट तो सिर्फ मोटर की और इनकी गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं, ये टूट फूट की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो जैसे इनका तो इंश्योरेंस है भाई साहब, तो किसान को अब जैसे धान की फसल लगानी तो कितना नुकसान, कैसे नुकसान पहुंचेगा किसान? नुकसान तो आपके सामने है जी, यहाँ पर ना तो कोई नहर का पानी लग रहा, सिर्फ इसके भरोसे थे और अभी ये भी खुद चुके हैं, अब किसान क्या खाएगा और क्या कमाएगा, आप लगी हुई है, बढ़िया कंपनी है और पुरानी कंपनी है जिसका नाम टाटा है, अभी ये नई नई कंपनी आई है, अपना मार्जिन देखिए उस हिसाब से काम करते हैं।
तो मतलब सर तो आप मतलब कैसे पहुंचे इन्हीं की बात की सूचना? नहीं, कल सूचना मिली थी जी, ऐसे ऐसे हो गया और पैनल था वो कर गया, तो उसी का पता करने के लिए आया था। क्या मतलब इसके बारे में कोई सरकारी दफ्तर में कुछ अभी तो कल जी कार्य दिवस तो कल जाएंगे और उसके बाद पता करेंगे क्या रहेगा क्या नहीं कुछ नहीं कैसे। तो जिसका ये नुकसान हुआ आपको थी आपका, तो क्या उससे बातचीत क्या हुई, मतलब पूछा उसने भी क्या? नहीं, वो बैठ जगह ही फोन आया था जी घर से, उनके पास सूचना गई होगी कि इस तरह से नुकसान, ये तो सारा किस्मत का खेल है। आप देख लो कि ये शायद ये जो तूफान था उसका केंद्र बिल्कुल इस साइड के ऊपर ही था, पीछे जो लगी हुई साइड उसके भी देखो जो वो भी एक उखड़ गया है, पेड़ भी उखड़ गया, हो सकता केंद्र बिंदु यही था, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो किस्मत का खेल। तो क्या आप सरकार को मतलब इसके ऐसी ऐसी कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए? तो कंपनी के बारे में तो देखो जी क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब केंद्र बिंदु ये था तो इस साइड के इस सीध में जो जो आया उसने देखो ये पेड़ भी उखड़ गया, जब जड़ से इतना बड़ा पेड़ उखड़ गया तो इसकी तो विशाती क्या है, कुछ नहीं कह सकते। तो अपील क्या करना चाहोगे भाई, इसकी जो भरपाई है इसके जो भी भरपाई है वो मतलब इसका बीमा है या कुछ भी है भाई, इसको दोबारा लगाने का कष्ट करें। तो एक लगातार जो सोलर पैनल लगन लग रहे हैं जी खेत में अपना, तो के कारण है जी इतने लगातार हर खेत में ये लगवाने पड़ रहे हैं, नुकसान भी देखो बारिश हो नहीं है तो यूँ हाँ जी, बिजली इसमें दोनों चीजें हैं, एक तो सरकार को शायद कनेक्शन नहीं देने पड़ते, दूसरा किसान की सुविधा ये है कि सारा काम दिन में हो जाता है, लाइट की इंतजार रात को नहीं, मतलब जो बिजली की समस्या थी वो तो बिजली की समस्या है, सूर्य से ये चलता है और दिन में काम हो जाए, यही है जी किसान को समय के अनुसार अपनी फसल तैयार कर पानी पूरी यही है जी। ठीक है, आप ड्यूटी पे तैनात है भी है और ये तो वहाँ पे अपना काम कर ही रहा है, और यहाँ पे जो इसका नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट से या डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा इसकी वाइट इतनी जल्दी हो सके ना भरवाई करी जाओ। दूसरा जो बाकी प्लेट है इनकी भी कंडीशन मेरे को इतनी बढ़िया नहीं लगी, क्योंकि अपने भी खेत में लग रही है प्लेट है ना, दो तीन बार उखड़ भी चुकी है, ऊपर पलटी मार गई है, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं है, ये प्लेट तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई है, तो ठीक ठाक सी कंडीशन के लगाए जाओ और इसको बाइक जितनी जल्दी हो सकता है भरपाई करी जाओ, तो सरकार से मैं दरखास्त करूँगा और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा भाई साहब, आप यहाँ तक खेतों का खेतों में रहेगा बाइक की समस्या देंगे आगे बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है, ये देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक प्लेटें टूट कर जा चुकी है, तो इसके बारे में क्या सरकार ने क्या कुछ मतलब प्रबंध करने चाहिए ऐसी चीज़ों पर भी, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से बड़ा पैसा इकट्ठा करके ये पैनल लगाता है और उसके बावजूद भी ये नुकसान सहना पड़ता है। इसमें तो ठेकेदार का ही है सारा, में अहम रोल मेरे आइडिया जो भी है, जैसे जो ब्रेक जो है जो भी माल हार किसी का जो कंक्रीट सही ढंग से नहीं इंस्टॉलमेंट किया हुआ तो खेती बाड़ी पे क्या असर पड़ेगा भाई साहब, जो गरीब पैट गया सिस्टम सारा बोरी से गला चल रहा था, पानी की तो सुविधा बंद हो जाएगी, खेती बाड़ी पर तो पूरा असर रहेगा, धान की फसल पूरा असर रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो काफी ज्यादा नुकसान है, और जिस प्रकार से प्लेटें दूर दूर तक पड़ी है तो हम वो भी दृश्य दिखाएंगे आपको कि प्लेटें कितनी दूर तक वहां पर पड़ी हुई है, फिलहाल यहां पर जो पहुंचे हुए थे जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो आपको दिखाना चाहते थे, और आपसे भी एक अपील रहेगी कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूर तक पहुँचाए किसान की जो समस्या है वो सरकार तक पहुँचनी चाहिए ताकि उनकी समस्या हम वो तस्वीरें भी इसके अंदर ही दिखाएंगे जिस जिस किसान का जो जो नुकसान हुआ है सोलर पैनल का। ये देखो भाई एक और नुकसान सोलर पैनल प्लेट का, ये आपकी है भाई साहब? अच्छा वो उसके थी पौधी की भाई की थी, तो ये भी आपकी टूट चुकी है पूरी, ये देखो भाई ये तो नहीं उखड़ा लेकिन सारी जो प्लेट है वो सारी टूट चुकी है, ये एक एक टूटा है एक। हाँ जी ये बलबीर सिंह सुनोक सुरता। हाँ जी ये है, ये जो प्लेट लगी हुई है बलबीर सिंह सुनोप श्री सुरताराम पागेड़ी। अच्छा उनकी प्लेट है और अभी लगभग 5-6 दिन हुई है लगी लगाए हुए, तो आपके सामने है, और ये गौतम सोलर की है ये जो प्लेट लगी है। गौतम सोलर कहाँ से है, ये कहाँ से लाने आए थे? ये लगी है जी हिसार वालों की है। देखो भाई हिसार वालों के करतूत। नहीं नहीं उत्तराखंड। ये बताया जा रहा है ये है, ये कंपनी है भाई, सरकार ने इनको टेंडर वगैरह दिया है हरिद्वार, और इनके साथ धोखा करने का काम करती है, क्योंकि इस प्रकार से हल्वी प्लेट लगाई जाती है। आप देखोगे टाटा की जो पैनल है वो तो बिल्कुल मजबूत है नहीं उखड़ते, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इनकी जो धजियाँ उड़ चुकी है इस तूफान ने उड़ाई है, और साथ में जो बिजली के पोल हैं खंभे
अच्छा कम 5-6 खंबे गिरे हुए थे वहां पर, बिजली के पोल भी गिर चुके हैं। उत्तर हरियाणा काफी नुकसान यहां पर हुआ है। धन्यवाद। दिखाई दे रही है, उड़कर आई हुई है और इसकी हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से टूट फूट कर चिकना चूर हो चुकी है ये सोलर पैनल प्लेट। जो तूफान आया था देखिए इसकी हालत, देखो भाई सारी टूट चुकी है। और ये जो खेत आप दिखाई दे रहा है, ये जो नुकसान हुआ है ये फौजी है और वो भी ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और फौजी के खेतों में ये हाल आप देख सकते हैं।